हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कृष्णा पंचाल रसोई में। और आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड बेसन टोस्ट। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अगर आपको विशेषकर ब्रेड पकोड़े खाने पसंद हैं और ऑयली भी आप नहीं खाना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। बहुत ही जल्दी से भी बच जाता है और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड बेसन टोस्ट बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें ब्रेड की स्लाइसिस चाहिएंगे। और यहाँ पे मैंने ये देखिए एक बॉल मैंने बेसन लिया है। एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में बेसन ऐड करेंगे। बेसन को हल्का सा मिक्स करेंगे और आप छाना हुआ बेसन यहाँ पे यूज़ करना। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च, उतना ही हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, एक हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, अजवाइन, जीरा और नमक लिया है। अब ये सारे मसाले एक एक करके हम इसमें ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा धनिया पाउडर भी ऐड करेंगे और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे खूब सारा हरा धनिया, बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और एक मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करेंगे। अब मैंने एक बॉल बेसन लिया था तो लगभग हाफ बॉल या 3/4 बॉल जितना पानी हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना। अब ये जो मिक्सचर है बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और नहीं ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह का बैटर हम तैयार करेंगे। अभी एक चम्मच से भी मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि परफेक्ट आपका बैटर तैयार होना चाहिए। तो ये बैटर फ्रेंड्स हमारा तैयार है और यहाँ पे मैंने 4 ब्रेड स्लाइसेस ली हैं और बटर लिया है मैंने। गैस ऑन करेंगे, तवे को अच्छा गर्म होने देंगे, थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। बटर की जगह आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ब्रेड को फटाफट से बेसन में डीप करके ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे और फिर इसको तवे पर रख लेंगे। अभी ब्रेड को हमें क्रिस्प होने तक शैलो फ्राई करना है और हल्का सा गोल्डन कलर आ जाने तक इसे फ्राई करना है। ऊपर से आप फ्रेंड्स इसमें चाहें तो रेड चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर सकते हैं अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो। अभी आप देख सकते हैं थोड़ा क्रिस्पी भी हो गया है और अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ गया है। इसे ले लेंगे एक प्लेट में और इसी तरह से चारों ब्रेड के हम टोस्ट तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स ब्रेड बेसन टोस्ट हमारे बनके तैयार हैं। गर्मा गर्म बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, बहुत ही टेस्टी है और मिनटों में बनके ये तैयार हो जाता है। बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगा और इसे आप एंजॉय कर सकते हैं टोमेटो केचप के साथ या फिर चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ या हरी चटनी के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा और मेरे आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन चेक करते रहिएगा। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।